केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, वो भी वोट करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग करने पहुंचे हैं और ये अच्छी बात है। इन तस्वीरों को देखिए, सीखिए और वोट करिए। केसरी नाथ त्रिपाठी इलाहाबाद में वोटिंग करने पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल हैं और वो वोट करने पहुंचे हैं, ये अच्छा संकेत है। और इन्हीं लोगों को, इन्हीं बड़े लोगों को देखकर कम से कम सीखने की जरूरत है। जो लोग अभी तक वोट नहीं कर पाए, उन लोगों को भी आज सारे जरूरी काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए। कई वीवीआईपीज ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कई बड़े चेहरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अब तक आप क्यों बैठे हैं, आप भी वोट करिए। केसरी नाथ त्रिपाठी की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने सामने, केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी हैं और वो वोट देने पहुंचे हैं, मतदान करने पहुंचे हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। इलाहाबाद में मतदान करने पहुंचे और थोड़ी देर पहले यहीं से केशव प्रसाद मौर्य ने भी मतदान किया था, उनकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वोट करने पहुंचे हैं। अपने तमाम व्यस्ततम कार्यक्रमों से वक्त निकालकर वो आए इलाहाबाद और वोट करने पहुंचे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोकतंत्र में या अपने मताधिकार को लेकर बड़े लोगों में कितनी जागरूकता है। और ऐसे में हर आम आदमी का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो भी जरूर वोट करे। एक जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मताधिकार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक एक मत के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनके कार्यक्रम लागू होते हैं और इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदेशों की या उसमें निर्देशों की या उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये एक ऐसा अधिकार है जिस पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जब भाग लेते हैं तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सार्थकता सिद्ध होती है।